कभी नहीं मिलता है। वेलकम टू द ऑनलाइन लेक्चर फ्रॉम शरदी मोरे इंग्लिश हाई स्कूल। सो आज हम देखने वाले 10th का लास्ट लेसन जो है स्कूल वचन। ओके, उत्पत्ति कोश। उत्पत्ति कोश मतलब क्या? जैसे कि शब्दकोश रहता है, कोई भी वर्ड का हमें मीनिंग चाहिए तो हम क्या करते हैं, विश्व जो डिक्शनरी रहती है उसमें देखते हैं ना। वैसे उत्पत्ति कोश, उत्पत्ति मतलब क्या, जैसे कि वो वर्ड कैसे तैयार हो गया, वो कैसे तैयार हो गया, इसकी इन्फॉर्मेशन उत्पत्ति कोश में रहती है। देखो इयत्ता 9वीं मध्ये आपण विश्वकोशाची ओळख करून घेतली। लास्ट इयर में विश्वकोश का एक ऐसे स्थूल वचन था। कोणत्याही शब्दाचे वेगवेगळे संदर्भ विश्वकोशातून मिळू शकतात हे आपण अनुभवले। कौन सा भी रेफरन्स हमें कैसे मिलता है, विश्वकोश से मिलता है, ये हमने क्या करे एक्सपीरियंस लिए हैं। शब्द कसे तयार होतात किंवा कसे तयार झाले असावेत याची उत्सुकता आपल्याला आपल्या सर्वांच्या मनात असते। वर्ड कैसे तयार होता है, ये सब है कैसे होता है उत्पत्ति कोश में दिया गया है। शब्दाची उत्पत्ति पाहणे ही भाषा समृद्धीच्या दृष्टीने आनंददायी प्रक्रिया आहे। एखाद्या व्यक्तीने आपल्या मुलाचे नाव सई ठेवले। सई हा शब्द संस्कृतमधील सखी म्हणजेच मैत्रिणी या शब्दावरून आलेला आहे। मतलब ये की वर्ड बट उसके मीनिंग क्या है अलग अलग है। हे कळल्यावर त्याला किती आनंद होईल। आपल्या परिचयाच्या शब्दाची उत्पत्ती कळल्यावर जो आनंद मिळतो तो विद्यार्थ्यांना मिळावा। उत्पत्ती कोशाची गरज व महत्त्व कळावे व शब्दांची उत्पत्ती अभ्यासण्याची सवय लागावी आहे। तुम्ही स्थूल वाचन विभागात समावेश असलेला हा पाठ महत्त्वपूर्ण आहे। हे उत्पत्ती कोश का इम्पॉर्टंट समजण्याचे असले इम्पॉर्टंट पार्ट ॲड किया आहे। ओके, विद्यार्थ्यांना भाषेच्या प्रवाहात येणारे अनेक शब्दांच्या उच्चाराची व अर्थाची मूळ उत्पत्ती कोशाच्या अभ्यासात उलगडतात। मतलब शब्द कैसे तयार होता है, वर्ड कैसे तयार होता है, ये सब उसमें बताते हैं। शब्द हा एकच असतो, तो निरनिराळ्या परिस्थितींमध्ये निरनिराळे रूपे धारण करतो व त्या प्रत्येक रूपाला एक किंवा अनेक अर्थ प्राप्त होतात हे विद्यार्थ्यांना समजणे हा या पाठाचा उद्देश आहे। ओके, तो इसमें कन्वर्सेशन दिया है तो देखते। राधा, राधा क्या बोल रही है, आई हे काय आहे ग कोपऱ्यात। तो राधा क्या बोल रही है आई को, उसके मम्मी को, कि ये क्या है कॉर्नर पे। तो आई क्या बोल रही है, अगर ती सतार आहे, ती आजोबांना इनाम म्हणून मिळाली आहे महाराजांकडून, गावाकडे होती ती आज आणली। जे देखो ये जो पिक्चर है, पिक्चर में क्या दिया है, सतार जो दिया है ना, वो ये जो है ये इसको क्या बोले सतार। ठीक है, तो देखो तो क्या बोले कि जो सितार है इनको इनाम में मिली है। इनाम मतलब क्या, प्राइज, इनको क्या मिला है, बख्शीश में मिला है महाराज की तरफ से। गांव में थी वो क्या करे, उन्होंने आज लेके आए हैं। ठीक है, तो ये देखो राधा क्या बोल रही है, इनाम, इनाम म्हणजे काय गाई। तो क्या बोले कि इनाम मतलब क्या है, ऐसे वो मम्मी को पूछ रही है। तो उसके आगे आई उसको हंस के क्या बोल रही है, अगर इनाम म्हणजे बक्षीस। तो बक्षीस क्या बोले कि इनाम मतलब क्या, प्राइज, बक्षीस। उसके बाद राधा क्या बोलती है, अगर माझ्या वर्गातल्या तनया आहे ना, तिचे आडनाव इनामदार आहे। तो क्या बोल रही है, उसके सरनेम क्या है, इनामदार है। तो इनाम और इनामदार इसमें का फरक क्या है वो उसको बताती है। राधा क्या बोली, इनाम म्हणजे बक्षीस, मग इनामदार म्हणजे आई, कसला असेल ग हा शब्द। तो क्या बोले, कैसा रहेगा ये वर्ड ऐसा। तो उसके उसके बाद वो क्या बोलते, देखो आई थम आजोबांच्या खोलीत मराठी उत्पत्ति कोश आहे। मतलब का जिसमें वर्ड का, वर्ड कैसे बना है इसका मीनिंग दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं, उत्पत्ति कोश। तो क्या बोलते हैं, रू को जो आजोबा है उनके ग्रैंड फादर है उनके रूम में क्या है, उत्पत्ति कोश है। अपन पाहूया त्यात इनाम शब्द कसा तैयार झाला असेल, त्याची उत्पत्ति आपल्याला त्यात सापडेल। मतलब वो वर्ड कैसे तैयार हो गया वो बताएंगे। तभी देखो ये बॉक्स में क्या दिया है, इनाम, कायमची देणगी, मोफत बक्षीस, प्राइज, गिफ्ट, इनाम, ग्रैंड है ना, और अर प्लस इन, इन प्लस आम इज इक्वल टू वरिष्ठांकडून देणगी। मतलब कोई भी अच्छा काम करेगे तो क्या हो जाता है, इनाम उनको दिया जाता है। ठीक है, आई बघितलंस का राधे, राधा हे इथे अर लिहिले आहे ना, म्हणजे हा शब्द अरबी भाषेतील शब्द आहे। आता आपण दार हा शब्द शोधूया। मतलब इनाम और दार ये दो क्या है, अलग अलग वर्ड है। इसमें का इनाम मतलब क्या, बख्शीस, और वो वर्ड कौन सा है, उसके पहले क्या लिखा है, अर लिखा हुआ है, अर लिखा है तो वो अरबी वर्ड हो गए। ठीक है, तो दार, दार ये शब्द क्या है,
शब्द है, दार स्वामित्व दर्शक फारसी वर्ड है, ठीक है। तो बघ, दार हा फारसी प्रत्यय आहे। स्वामित्व दर्शक म्हणजेच एखादी गोष्ट एखाद्याजवळ आहे असे दर्शवणारा। स्वामित्व दर्शक मतलब क्या, उसके वो चीज उसके पास है, वो दिखाने वाला, वो वर्ड। इथे इनामदार म्हणजे ज्याच्या जवळ इनाम आहे तो, इनामदार मतलब क्या, जिसके पास बक्षीस देने के लिए लायक है वो, असा अर्थ होतो। आणि दार म्हणजे एखादी गोष्ट धारण करणारा असा पण अर्थ घेता येईल। दार मतलब क्या, कौन सी भी चीज चाहिए ऐसा इसका मीनिंग होता है। जवाबदार हा शब्द तुला माहित आहे का, तो क्या बोले, जवाबदार मतलब क्या, रिस्पॉन्सिबल। ये वर्ड तुम्हें पता है क्या ना, जो जबाबदारी धारण करतो किंवा घेतो, जो रिस्पॉन्सिबल रहता है उसको ही क्या बोलते, जबाबदार बोलते हैं। ज्याच्याकडे जबाबदारी असते तो जबाबदार। तसच इनामदार म्हणजे ज्याच्याजवळ इनाम आहे किंवा ज्याने इनाम धारण केलेले आहे, म्हणजेच ज्याला इनाम मिळालेले आहे असा माणूस, उसे क्या बोलते, इनामदार। राधा, आई ही माहिती किती छान आहे, आता मी नेहमी जाईल। तो राधा आई को क्या बोल रही है, ये वर्ड कितने अच्छे हैं, मैं ऐसे ही वर्ड क्या करूंगी, हर रोज ढूंढूंगी। कहा, उत्पत्ति कोश में। उत्पत्ति म्हणजे शब्दाच्या अर्थाचे किंवा शब्दाच्या मुळाचे ज्ञान। उत्पत्ति मतलब क्या, वो वर्ड कैसे तैयार हो गया, वो वर्ड कौन से लैंग्वेज में पहले था, अभी कौन से लैंग्वेज में, ये सब का ज्ञान होना, ये सब उत्पत्ति कोश में होता है, ठीक है। एखाद्या शब्दाच्या मुळाविषयी माहिती म्हणजे उत्पत्ति सांगणे। अशा अनेक शब्दांच्या उत्पत्तीचा संग्रह म्हणजे उत्पत्ति कोश। भाषेत अनेक कारणांनी बदल होत जातात, लैंग्वेज में बहुत क्या हो जाते हैं, चेंजेस हो जाता है, अलग अलग रीजन से लैंग्वेज में चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। उत्पत्ति कोशात या बदलाचे मूळ आपल्याला शोधता येते, मतलब वो क्यों उसमें चेंजेस हो गए, पहला क्या वर्ड था, अभी क्या वर्ड है, ये उत्पत्ति कोश में बताया जाता है। उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल, भाषेमध्ये इतिहासाच्या दृष्टीने जे फरक होतात ते भिन्न 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 काळातील भाषा बोलणाऱ्यांच्या शब्दांचे, उच्चारांचे व समाजाचे वापरात असलेल्या शब्दांच्या होणाऱ्या अर्थचित बदलांचे परिणाम आहेत। अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज बोलते हैं, इसमें से वर्ड क्या हो जाते हैं, अलग अलग आते हैं, उसमें चेंजेस होते हैं। उत्पत्ति कश या बदलाचे स्वरूप स्पष्ट होते। उदाहरणार्थ, फॉर एग्जाम्पल, मराठीतील आग हा शब्द संस्कृत मधील अग्निपासून आला। देखो, आग ये क्या है, मराठी वर्ड है, और अग्नि ये क्या है, संस्कृत वर्ड है, समझे। हे आपल्याला उत्पत्ति कोशामुळे कळते, कौन सा शब्द कौन से लैंग्वेज में पहले यूज किया था वो हमें क्या करते हैं, बताता है कौन, उत्पत्ति कोश, ठीक है। हिंदी या सारख्या आधुनिक भाषा त्यापासून आग हा शब्द तयार झाला। आग मतलब क्या, अग्नि। कुठल्याही दोन भाषा बोलणारे भाषक जेव्हा एकमेकांच्या संपर्कात येतात, दो लैंग्वेज यूज करने वाले जो एकमेकाच्या संपर्कात येतात, मतलब दो लैंग्वेज जो अलग अलग बोलते हैं उनका कन्वर्सेशन होता है, तभी क्या होता है, तेव्हा त्यांच्या भाषेतील शब्दांची देवाणघेवाण होते। मतलब एक दूसरे से क्या करते, अलग अलग लैंग्वेज में बात करते हैं, कधी व्याकरणिक घटकांची ही देवाणघेवाण होते व सर्वांची नोंद उत्पत्ति कोशामध्ये पाहायला सापडते। शब्दसिद्धी आपण हे पाहतोच, म्हणजे शब्दसिद्धीमध्ये आपण हे पाहतोच, मतलब वर्ड कैसे बना कैसे नहीं, ये सब वो क्या करता है, बताता है। जैसे कि अभी देखो, मूल शब्द कौन सा है और उसमें उसका शब्द मराठी में कैसे ट्रांसलेट हुआ। भाषा कौन सी है, संस्कृत। संस्कृत में मूल शब्द कौन सा है, तुंड, और मराठी शब्द उसको क्या बोले, तोंड। तोंड मतलब क्या, माउथ, ठीक है। अभी कन्नड़ में तुप को क्या बोलते, मराठी में तुप, तुप मतलब घी, समझे। अरबी में इत्र, और मराठी शब्द उसका क्या हो गया, अत्तर। ऐसे वर्ड हमें उत्पत्ति कोश में देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। काळाप्रमाणे शब्दांच्या रूपात त्यांच्या अर्थात त्यांच्या परस्पर संबंधात बदल होतात, आणि हे बदल अपरिहार्य असतात। लैंग्वेज में जैसे ही काल बदलता है वैसे ही क्या हो जाता है, चेंजेस होते हैं लैंग्वेज में। निरीक्षण करा, तुमचे आजी आजोबा कैसे, देखो अभी इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। निरीक्षण करा, तुमचे आजी आजोबा बोलत असलेली भाषा, तुमचे आई बाबा बोलत असलेली भाषा, आणि तुम्ही व तुमच्या भावंडांची भाषा, तुम्ही तुमच्या मित्रांमधील भाषा, फॉर एग्जाम्पल कैसे व्हॉट्सअप की जो भाषा रहती है, लैंग्वेज रहती है, इसमें क्या है, बहुत सारा डिफरेंस है ना। तुमच्या लक्षात आलंच असेल, कधी कधी पूर्वी अस्तित्वात असलेल्या
एखाद्या शब्दाचा अर्थ हळूहळू बदलत जातो. पूर्वी के लोग जो तुम्हारे ग्रैंड मदर है, ग्रैंड फादर है, उनकी लैंग्वेज और तुम्हारे मम्मी पापा की लैंग्वेज और तुम्हारे भाई बहन की लैंग्वेज ये क्या रहती है, अलग अलग रहती है. और जैसे ही वो चेंज हो जाती है वैसे ही उसके मीनिंग भी बदलते हैं. ठीक है, मूळ अर्थाबरोबरच आणखी एखादा अर्थ भाषेमध्ये स्थिरावत जातो. उदाहरणार्थ मतलब फॉर एक्झाम्पल, शहाणा या शब्दाचा अर्थ पूर्वी हुशार, बुद्धिमान, चलाक असा होता. पूर्वी मतलब पहले शहाणा ये शब्द का अर्थ क्या था, हुशार, टैलेंटेड, बुद्धिमान, चलाक ऐसा था. हा शब्द संज्ञान या शब्दावरून आला आहे. देखो अभी हुशार शहाणा ये वर्ड कौन से वर्ड से आया है, संज्ञा. ओके, संज्ञान मतलब उसको पूरा ज्ञान हो. आता मूळ अर्थाव्यतिरिक्त शहाणाचा अतिशहाणा असा अर्थ सुद्धा रूढ होत आहे. मतलब शहाणा उसके आगे अतिशहाणा मतलब ज्यादा ही होशियार ऐसा भी उसका मीनिंग निकलता आहे. काही कळाने याची नोंद उत्पत्ती कोशात दिसण्याची शक्यता आहे. एकाच अर्थाचे शब्द निरनिराळ्या संदर्भात निरनिराळे रूपे धारण करतात. देखो भी हा शब्द अनेक आहेत. कोण कोण से, वात, पवन, मरुत, समीर, अनिल, बट अर्थ एक ही. जैसे कि उसके सिमिलर वर्ड, जैसे कि वारा हवा के एक आहे, पूरे सिमिलर वर्ड है. वेगवेगळे संदर्भ जैसे कि पवन चक्की, वात चक्की, वात चक्की, अनिल चक्री, समीर चक्री, ये सब उसके क्या है, संदर्भ है. वो संदर्भ में वो यूज किए जाते हैं. जैसे कि अभी पाठ, पाठ मतलब क्या, पीठ, एक ही शब्द है बट उसकी मीनिंग अलग अलग है. माझी पाठ दुखत है मतलब मेरी पीठ दुख रही है. पाठ मतलब शरीराचा अवयव क्या है, बॉडी ऑफ पार्ट है. हा पाठ सोपा है. पाठ मतलब क्या, लेसन, क्या बोलते हैं हम लोग, ये लेसन इजी है. पाठ पाठ पुस्तकातील धडा, पाठ्य पुस्तकातील धडा मतलब पार्ट. ये वर्ड एक ही है बट उसके मीनिंग क्या है, अलग अलग है. ओके, उसके बाद देखो उत्पत्ति कोश कसा पहावा, मतलब जो उत्पत्ति कोश वो ग्रंथ है वो कैसे देखने का. देखो अभी इसमें बताया है कि आपल्याला एखाद्या शब्द समूहाबद्दल कुतूहल निर्माण झाले तर आपण उत्पत्ति कोश पाहतो. उदाहरणार्थ दिवाळी हा शब्द कुठून आला, जैसे कि एक वर्ड लिया कौन सा, दिवाली, तो ये वर्ड कहाँ से आ गया, इसमें आप लोगों को ढूंढना है तो समझ में आता है. तो देखो कैसे आ गया, दिवाली हा शब्द अपन पहला मूल संस्कृत हा दीपावली पासून आला आहे. तो दीपावली ये शब्द कैसा है, संस्कृत है, जैसे वो शब्द मराठी में आ गया है. ओके, ली रस्वला, ली रस्व असला तरी मराठी तो दीर्घ लिहिता. शब्दातील दी व ली दोन्ही दीर्घ आहेत, मतलब जो वेलांटी रहती है उसकी छोटी या बड़ी इसमें क्या करे, डिफरेंस बताए हैं. पण दिवाळी हा शब्द मराठी आहे, त्यात दी हा ऱ्हस्व येतो कारण हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. विश्वकोशातील या शब्दाची नोंद पाहिल्यावर कंसातील मजकूर पाहताना हे नक्की काय आहे असे तुम्हाला वाटले असेल. पण ही शब्दांची लघुरूपे आहेत हे कळल्यावर आणि त्यांची मूळ रूपे समजल्यावर तुम्हाला ते सोपे वाटेल आणि आपला शब्द थोडेसे रूपबद्धून इतर भाषांच्या अंगात अंगणातही बागडतो आहे हे कळल्यावर मजाही वाटेल. समज में आ गए. उत्पत्ति कोशात अन्य भाषा तो शब्द कसा आला, उत्पत्ति कोश में अलग अलग लैंग्वेज के, उत्पत्ति कोश में अलग अलग लैंग्वेज के वर्ड इसमें कैसे आ गए ये उन्होंने बताया है. वरच्या उदाहरणात शब्दाची लघु रूपे आलेली आहेत. लघु रूपे मतलब क्या, उसका शॉर्टकट. ओके, हे जाणून घेणे आवश्यक आहे. शब्दात सुरुवातीला शब्दाची जात लिहिलेली असते, उसकी जात लिहिली जाते, मतलब नाउन आहे, प्रोनाउन आहे, क्या आहे वो. नामाच्या बाबतीत मात्र पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग मतलब क्या, सिंग्युलर, प्लुरल, प्लुरल ये जो है वो दिया जाता है. दिवाळी हा स्त्रीलिंगी शब्द असल्याने स्त्री हे लघुरूप पाहायला मिळते. त्यानंतर वेगवेगळ्या भाषांसाठी लघुरूपे वापरलेली दिसतात. सुसंस्कृत, संस्कृत, प्रा प्राकृत, ब बंगाली, ओ ओडिशा, ही हिंदी, व पंजाबी, सी सिंधू, गुजराती या व्यतिरिक्त कोशाधिकार कधी एखाद्या शब्दामागचा इतिहास सांगतात. हे अल्फाबेटिकली वर्ड उसमें दिए जाते हैं. कधी कधी एखाद्या शब्दाची अन्य कोणी मांडलेली वेगळी उत्पत्ती सांगून ती त्यांना योग्य वाटते की नाही हेही सांगतात. अभी देखो इसमें के जो कार्य है ये इसमें बताया है. उत्पत्ती कोशाचे कार्य, वो उत्पत्ती कोश है वो क्या क्या काम करता है, डिक्शनरी जो रहती है. शब्दांचे मूळ रूप दाखवणे मतलब उसका मूल वर्ड क्या है वो दिखाना. अर्थातील बदल स्पष्ट करणे मतलब जो भी वर्ड है उसमें क्या करे, जो भी चेंजेस हुए है वो दिखाना. उच्चारातील बदल व फरक
जो भी उच्चार है उसमें क्या डिफरेंस दिखाना, बदलने के कारण स्पष्ट करने, उसके रीजन बताना, ये सब इसमें दिया जाता है। तो इसमें देखो लक्ष्य ठेवा, मतलब यहाँ जो याद रखना है वो चीजें इन्होंने बताई है, क्या क्या याद रखना है हमें वो। अभी देखो ये जो स्टोरी दी हुई है वो देखो, ताका स्थूर लागू न देने वाक प्रचाराचा कसा आला, वाक प्रचार कसा आला वासा ही समझून घेऊ। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने क्या करे यहाँ दिए कि कौन सा ताका स्थूर लागने, ये जो वाक्य प्रचार है ये कैसे आ गया, वो उसका ये उत्पत्ति कोश में कैसे दिखे, कि शाळेत नाटक बसवले जाणार होते, नाटकात काम करणाऱ्यामध्ये शरदची निवड झाली, शरद नाम का एक लड़का है उसने नाटक में पार्टिसिपेट किए थे, मात्र त्याच्याकडून ही बातमी काढून घेण्यासाठी खूप प्रयत्न करत होते, पण शरदने ताकस्तूर लागू दिला नाही, मतलब किसी को भी पता नहीं चलने दिया। ताकस्तूर मतलब क्या, किसी को भी कौन सी भी चीज का पता नहीं चलने देना। अशा प्रकारचे प्रसंग आपल्यावरही अनेकदा येत असतात, आपणही आपल्या मनात काय आहे हे लोकांना अजिबात कळू देत नाही, लोकांनी विचारलेल्या प्रश्नांना आपण अशी काही उत्तरे देता राहतो की देत राहतो की त्यांना काही कळूच नाही, लोकही मग मागे मग म्हणतात अरे हा अगदी ताकासूर लागू देत नाही, मतलब किसी को कुछ भी पता चलने नहीं देता। आता ताकासूर लागू देणे या वाक्य प्रचाराचा अर्थ आपल्याला कळला आहे, कोशातही त्याचा अर्थ एखाद्या गोष्टीचा दुसऱ्यास बिलकुल ठांग लागू देऊ नये, टाळाटाळी करून स्वतःच्या मनातील विचार दुसऱ्यास न समजू देणे, मतलब किसी ने भी कुछ भी पूछा अवॉइड करना, और हमारे मन में जो भी विचार है वो किसी को भी पता नहीं चलने देना। ओके, पण ताकासूर लागणे म्हणजे काय, ताक म्हणजे काय, आणि पितो ते ताक आणि तूर म्हणजे तरी काय, तर क्या बोले की आपल्या मराठी लोकांच्या जीवनाच्या तुरीच्या डाळीचं वर्णन असतं ते तूर नावाचं धान्य की काय। ओके, ताकाचा आणि तुरीचा संबंध येतो तरी कुठे, देखो ए वर्ड में के वर्ड वही है, उच्चार वही है, बट उसके मीनिंग क्या है अलग अलग दिए है। ओके, ये इसमें बताया है। ठीक है।